कि जीतन राम मांझी को क्यों मंदिर से निकलवाया, क्यों धुलवाया मंदिर को माता जननी सीता जी के यहाँ, और मंदिर में घुसने के लिए और कुआं से पानी निकाला राजस्थान में, तो उसको जान मरवा दिया, मरते मरते मार दिया दलित को। कि देख रहे 24 का दुल्हा माननीय प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, फूट डालो और राज करो। ये आरएसएस और भाजपा के लोग करते हैं, शोषित 90% लोगों पूरे भारत के सब लोग जगो, वो हर एक जाति हर एक धर्म से हो सकता है शोषित। 24 घंटा के अंदर अपनी माफी मांगे, और नहीं तो हम लोग इनके खिलाफ FIR करेंगे और रोड पर उतरे। जो 90 शोषित थे वो जग उठे हैं। आरएसएस सरबरा मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि पंडितों ने जात पात की जो राजनीति है उसकी शुरुआत की, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको तय किया मैं पंडितों ने, भगवान की तरफ से नहीं था। लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी लगातार मोहन भागवत और आरएसएस का की मुखालफत करती रही है, और कई बार खुल करके सामने आया, आडवाणी को भी गिरफ्तार इसी सरजमीन से किया गया। तो अब इस मामले को लेकर के आरजेडी जो भुनाने का प्रयास कर रही है, सोशल मीडिया पर आरजेडी की तरफ से लिखा गया है कि हमने उनको औकात में ला दिया है। हमारे साथ कृष्णा और छोटे लालू हैं। मोहन भागवत जी का हृदय परिवर्तन हो गया आपको लगता है? हृदय ये तो फिर फूट डालने की बात कर रहे हैं। ये मोहन भागवत बता कि जीतन राम मांझी को क्यों मंदिर से निकलवाया, क्यों धुलवाया मंदिर को माता जननी सीता जी के यहाँ। ये राष्ट्रपति अभी हो गए हैं रामनाथ कोविंद, और उनकी पत्नी को मंदिर से, और इनके ही समाज का अभी लोग मुरैना में मीटिंग करके इनको धमकी दिया को, और मोहन भागवत को कि 24 घंटा के अंदर अपनी माफी मांगे, और नहीं तो हम लोग इनके खिलाफ FIR करेंगे और रोड पर उतरेंगे। ये क्या है, माला पहनाने वाले लोग और बलि का बकरा बनाने वाले चंदन टीका करवा के, ये नहीं चलेगा। 100 में जो 90 शोषित थे वो जग उठे हैं। पूरे भारत में दर्द हो रहा है कि देख रहे 24 का दुल्हा माननीय प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अलग अलग संगठन से बुलवा रहे हैं, लेकिन ये मिठाई है, ये जानबूझ करके जलेबी दिखाया जा रहा है कि सब लोग जो इधर उधर हो रहे हैं वो मेरे पास आ जाएं, केवल वोट लेने के लिए, केवल वोट लेने के लिए सब बराबर, और मंदिर में घुसने के लिए और कुआं से पानी निकाला राजस्थान में, तो उसको जान मरवा दिया, मरते मरते मार दिया दलित को। क्या नीति है, फूट डालो और राज करो, ये आरएसएस और भाजपा के लोग करते हैं। तो ये कैसी व्यवस्था, किस पर ये कहना है कि सब बराबर, किस बात पे ये बोल रहे हैं कि देश के 90% शोषित को गुमराह कर रहे हैं। अरे जगो जगो जगो, शोषित 90% लोगों पूरे भारत के सब लोग जगो, वो हर एक जाति हर एक धर्म से हो सकता है शोषित, मैं किसी जाति को टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, सब लोग जग जाओ। तो इनको पेट में खलबली है। कहा जा रहा है कि ये सारी कथा पटकथा जो है वो लालू यादव लिख रहे हैं, जब से आपके शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, आलोक मेहता खुल करके सामने आ गए, उसके बाद से माहौल बना, और उस माहौल को ठीक करने के लिए एक बड़े खिलाड़ी को मैदान में। अरे लालू जी ने तो शुरू से जगदेव बाबू, बाबू लालू प्रसाद, जन नायक, कर्पूरी ठाकुर, शुरू से सब दबे कुचले लोगों को उठाने का काम किया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलने का काम किया है, ये हमें बताएंगे। और लालू जी क्या, लालू जी सब कुछ, सब जाति धर्म के लोगों को लेकर के आगे चले, जो शोषित है, वंचित है, गरीब है, गुरबा है, आवाज दिया है कि सभी गाय चलाने वालों, ठेला रिक्शा चलाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। कौन आवाज दिया, शोषित वंचित लोगों? ये तो लालू प्रसाद ने किया। आज बैकफुट पर है ना मोहन भागवत, आज उनके समाज के लोग करैना में, मुरैना में, जहां आपने बोला था, ये स्थिति है। आप लोग को मौका तो दे रहे हैं पंडित बनने का, मंदिर जाने का, उन तो कह दिया, वो जो कहते हैं उस पर लोग चलते भी हैं। कहा ये तो कह के दिखाए ना रे भाई, अभी राम मंदिर बन रहा है ना, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम,
हम लोग उनको मानते हैं, हमारे भगवान हैं। वहाँ एक शूद्र को छोटा ही पद पे ब्राह्मण के रूप में बैठा के दिखाए, मानेंगे कब मंदिर धोवाओ। ये क्या तरीका है जब सब बराबर है तो? क्या तरीका है हमारे लिए? अगर सब बराबर है तो सबको हक है मंदिर जाना, पूजा पाठ करना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में देखिए, सब बराबर है, लेकिन बांट रहा है कौन? आज कौन मुंह से उगिला, कौन बांटा? कि बल भगवान नहीं बांटे थे, हम बांटे। तो कौन लड़ाया, कौन लड़वा रहा है? गलती का एहसास हो रहा है उनको? अरे एहसास, अरे फिर वो डुप्लीकेट बात बोल रहे हैं। केवल वोट लेने के लिए 24 देख रहे हैं ना, 24 का लोकसभा वो देख रहे हैं, और ये सब बलगराने वाली बात है। 90 लोगों जग जाओ, 90% लोगों, कुछ होने वाला नहीं है। चोट करेगा, वोट लेगा और दलितों पर चोट करेगा। इसलिए एक हो जाओ, घबराओ नहीं। पूरे बिहार और भारत के लोगों, जो अपने आप को शूद्र मानते हो, सब लोग। तो ये थे कृष्णा और छोटे लालू, जिनका कहना है कि मोहन भागवत ने चुनावी चाल चली है, यानी जो राजनीति का एक अलग खेल होता है, वो लोगों को, जो 90% लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि ऐसा होगा नहीं। इसलिए कि लालू प्रसाद यादव लगातार उनके खिलाफ जो एक सियासी जंग की शुरुआत कर चुके थे, लड़ रहे थे, वो लड़ाई 24 में भी जारी रहेगी। समाजवाद के जितने भी लोग हैं सब जमा हो जाएंगे और मोहन भागवत की चाल में कोई भी फंसने वाला नहीं है।